हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बेसिकली बहुत दिन मैंने कुछ नहीं बोले हैं, आज छोटा सा एक डिस्कशन करना था। मैं आज एक प्रैक्टिकल चीज़ देखें, ट्रेन में आते आते बाई चांस एक काम के सिलसिले में मेरे को ट्रेन में सफ़र करना पड़ा बाई चांस, तो आते आते एक चीज़ देखें। क्या चीज़ देखें? लेडीज़ जो कंपार्टमेंट होता है हम लोगों का लोकल ट्रेन में, वो एक लड़का खुद इमरजेंसी के लिए, मैं उसका पीछे बगल मतलब जो वेंडर टाइप का कमरा होता है ट्रेन में, उसी में मैं था खड़ा गेट पे। तो मैंने देखा रनिंग पोजीशन में एक बंदा लेडीज़ कंपार्टमेंट उठ गया, तो शायद कुछ रनिंग उसका कुछ सिचुएशन था, जल्दी पहुंचने के लिए ट्रेन मिस नहीं करना चाहता। तो अगले स्टेशन पे मैं क्या देखता हूँ, अगले प्लेटफॉर्म पे वो लेडीज़ कंपार्टमेंट से ऐसे उतरा नहीं, उसको फेंका गया है। कैन यू बिलीव गाइस, उसको फेंका गया है। ये कैसा रूल्स है? जनरल कंपार्टमेंट में अगर हम लड़की लोग मतलब औरत लोग या लड़की लोग लेडीज लोग जिसको बेसिकली वो अगर चढ़ती है या उसको चढ़ना पड़ता है, हम लोग उसको संभाल के जैसे भी इसके तरह से जाता है। लेकिन लेडीज कंपार्टमेंट वो मैंने बात की है खुद लड़के से, जी भैया ऐसा ऐसा क्या बोलो भैया हम लोग, वो बोल रहा है एक मतलब नौकरी का इंटरव्यू के लिए वो जाना चाहता है, ऑलरेडी लेट हो चुका है, वो ट्रेन अगर वो मिस कर दे तो उसका प्रॉब्लम मतलब बिगड़ जाएगा वो वाला नौकरी। तो उसके लिए बाई चांस वो दौड़ के उठकर अगले स्टेशन, बाद वो बोल रहा है मैं अगले स्टेशन मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग में उठ गया हूँ, अगले स्टेशन पे उतर के मैं पीछे चला जाऊँगा। माना नहीं कोई लेडीज, उसका मतलब ये फेस यहाँ पे सब लाल हो गया, जो मतलब थप्पड़ अप्पड़ के होता है ना लेडीज लोग, वही किया है। कैन यू बिलीव दिस गाइस, ऐसा ही होता है। थिंक, जो कहने का बात है ठीक है, लेडीज लोगों का कंपार्टमेंट अलग है, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो जाए इसके लिए क्या ठीक है? आप खुद बोलिए, मैं डिसलाइक लाइक ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप ठीक ऐसा आप सोचिए, सोचने का बात है। मैं अनिवान को भी दे रहा हूँ, अनिवान भी कुछ बोलेगा। हाँ जी गाइज, सो बेसिकली ये चीज़ ना कलकत्ता में बहुत प्रॉब्लम बेसिकली चलता है। शायद जो लोग कलकत्ता में रहते हैं उन लोग को तो पता है कि हमें लेडीज स्पेशल ट्रेन चलता है। ट्रस्ट मी गाइज, लेडीज स्पेशल ट्रेन में नॉर्मली जब जाता है नियर अबाउट खाली ही जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि लेडीज कंपार्टमेंट थोड़ा कम करके अगर जनरल कंपार्टमेंट थोड़ा ज़्यादा किया जाए। और ये जो गूगल अभी बोला आज जो मतलब फ्रंट एक्सपीरियंस किया, एक दिन मैं खुद भी ऐसा एक्सपीरियंस किया था। अगर आपके साथ कोई लेडीज है मतलब माँ रहे या बहन या वॉट एवर कोई भी रहे, देन दैट विल बी ओके। आप उतना भी फेस शायद नहीं करोगे, शायद मैं बोल सकता हूँ, मगर अगर आप अकेले उठ गए तो बट आप तो मतलब हो गया, आप तो गए मतलब आपका तो कांड हो गया, पर आप मालूम ही नहीं चलेगा क्यों हुआ। अरे मेरा इमरजेंसी भाई, बाई चांस उठ गया, इसके लिए क्या करें? आप बोलिए बेसिक क्या होते। देखिए एक चीज देखिए, लेडीज कंपार्टमेंट रहते भी लेडीज लोग क्यों जनरल में उठते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई इंसान जल्दबाजी में इमरजेंसी में अगर हुआ में उठ जाए, एक हाँ डेफिनेटली फॉल्ट है मैं मानता हूँ, मगर इमरजेंसी में इंसान कुछ भी कर सकता है, ये शायद इतना भी ज्यादा क्राइम नहीं है। अगर क्राइम होता वो अगर अंदर लेडीज कंपार्टमेंट में उठ के अगर कोई ना कोई एक्टिविटी करता, जो करता है कोई भी लड़का उतना मतलब किया नहीं है। सो व्हाट इज दिस बेसिकली, यही हम लोग को जानना है। वीडियो जरूर बोलिएगा कैसे लगा, मतलब जागो ग्राहो जागो तो बोल के तो बहुत कुछ होता है दुनिया में, तो जागो लड़के लोग, थोड़ा जाग लो ठीक है। एक क्या चल रहा है हम लोग के साथ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, लड़की लड़का लोग या जेंट्स लोग ऐसा कोई बात नहीं है, फीलिंग्स का बात है। लड़की लड़का दोनों ही फीलिंग्स पे ला, फीलिंग्स पे ला। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये क्या सही बात है? मैं मान रहा हूँ ये मतलब आईन के खिलाफ है, लेडीज लोगों का कंपार्टमेंट अलग है, सब कुछ मैं मान रहा हूँ, बट इमरजेंसी इमरजेंसी वो तो बेचारा रनिंग चढ़ के उठा है, नौकरी के लिए दौड़ रहा है, किसी का पेट पालने के लिए, घर का पेट पालने के लिए वो इमरजेंसी के लिए दौड़ रहा है बेचारा। एक अच्छी एक सही है, यही मेरा बोलने का मतलब एकदम। गाइस बोलेगा अगर आप लोग भी, मुझे पता है आप लोग भी शायद डेफिनेटली आप या आपका कोई जान पहचान का भी कोई ऐसा जरूर सिचुएशन फेस किया होगा, तो जरूर बोलेगा ठीक है। ऐसा अगर सिचुएशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक या बुरा लगे डिसलाइक कर दिए। सबसे बड़ी बात है लाइक डिसलाइक का भी बात नहीं है, इसको सोचिए और थिंक कीजिए क्या हो रहा है, सही है क्या? सही बात है। सो गाइस बोलेगा कैसा लगा वीडियो, आपके राइट साइड में जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का जरूर दबाइए, और बगल में बेल बटन जरूर दबाइएगा, तो मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्फॉर्मेशन, स्टे विद अस, स्टे विद अस, थैंक यू।